गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, 90 days left to get exam. Start your GATE preparation with an academy scholarship. An academy GATE Mega Combat. किसी भी एजुकेटर के कोड से इसको एनरोल कर सकते हैं, जैसे मेरा वाला कोड है GS Live, या आप कोड यूज़ कर सकते हैं सौरभ GS. GS Live या सौरभ GS। एक है गेट योद्धास, सात नवंबर को टेस्ट हुआ है, फिर 14 नवंबर को होना है, फिर 21 नवंबर को होना है। 21 नवंबर को जो है वो एक्चुअल गेट पेपर की तरह होगा, 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 मिनट्स में। एक ये फीचर है रेज अ हैंड, डाउट पूछने के लिए ये नया फीचर ऐड हुआ है। डाउट पूछने के लिए नया फीचर ऐड किया गया है रेज अ हैंड नाम से। आस्क ए डाउट बाय एन अकेडमी, डाउट पूछने का क्या प्रोसीजर है? देखो, सबसे पहले गो टू द डाउट एंड सॉल्यूशन फीचर, होम स्क्रीन पे जाएं, डाउट एंड सॉल्यूशन फीचर, आस्क ए डाउट पे क्लिक करें और क्वेश्चन जो डाउट है उसकी इमेज अपलोड करें, इमेज को क्रॉप करें, क्वेश्चन को हाईलाइट करें और सब्जेक्ट चूज करें कि जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट को चूज करें। एक है 1:1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, हर लर्नर पे एक डेडिकेटेड मेंटर अवेलेबल है, हर लर्नर पे एक डेडिकेटेड मेंटर होगा जो भी क्वेरीज वगैरह हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। स्पेशल क्लास फीचर्स, स्पेशल प्राइस वीक, न्यू बैचेस,
अमरकंटक प्लेटू जो मैकाल हिल्स में पड़ता है, ये किस रिवर का ओरिजिन है? अमरकंटक प्लेटू मैकाल हिल्स में पड़ता है, किस रिवर का ओरिजिन है? अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं। सोन जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, सोन नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, नर्मदा जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और इसके नज़दीक से निकलती है महानदी। इसके नज़दीक से ओरिजिन होता है महानदी, एग्जैक्टली यहाँ से नहीं, इसके पास से। नर्मदा का ओरिजिन है ये, नर्मदा का ओरिजिन है। कौन सा सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है? कौन सा सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है? सी विदाउट कोस्ट लाइन, सरगासो सी, सरगासो सी। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, थॉमस कप किसके बारे में है, किस खेल से संबंधित है? द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा हुआ है? संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा है?
इट वॉज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, तमिल। स्वराज्य शब्द किसने पहली बार अपने पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना था? स्वराज्य को उसके सही पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना। बाल गंगाधर तिलक। किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल गवर्नर इम्पोज करता है, किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल गवर्नर इम्पोज करता है कब? प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तब लगता है अगर अगर गवर्नर राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट भेजे कि जो राज्य में सरकार चल रही है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। गवर्नर अगर इस बात से संतुष्ट हो, रिपोर्ट भेजे कि राज्य की जो मशीनरी है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। इफ ही इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या करेक्ट नहीं है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मनी बिल के बारे में क्या नहीं सही है? ए बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। नॉट करेक्ट बताना है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा। ये सब ट्रू है। मंत्रिमंडल जिम्मेदार है लोकसभा के प्रति। द हाउस ऑफ द पीपुल हैज स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट। लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है स्टेट लिस्ट के मामले में, गलत, राज्यसभा के पास होती है। द हाउस ऑफ द पीपुल हैज स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, गलत, राज्यसभा होना चाहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं होता मनी बिल को अमेंड करने का। मनी बिल कभी इनिशिएट नहीं होता राज्यसभा में, इनिशिएट हमेशा लोकसभा में होता है। ये सही स्टेटमेंट है। मनी बिल इनिशिएट नहीं होता लोकसभा में, इनिशिएट नहीं होता राज्यसभा में, हमेशा मनी बिल लोकसभा में आएगा पहले। राज्यसभा में जाता है कि बस पढ़ो और पास करो, ज़्यादा कोई अधिकार राज्यसभा के पास मनी बिल के ऊपर नहीं होते हैं।
मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भूमध्य ये क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट की मुख्य विशेषता क्या है? रेन इन विंटर सीजन। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से विंटर में रेनफॉल होता है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होती? पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होता। कौन सी प्रॉब्लम पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होगी? कॉज्ड बाई पॉल्यूटेड वाटर। जॉन्डिस, जॉन्डिस पॉल्यूटेड वाटर से होता है। टाइफाइड भी, डिसेंट्री भी। टीबी पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होता। ये एयरबॉर्न डिजीज है, टीबी है एयरबॉर्न डिजीज। कौन इसमें से एक मैमल है? इसमें से कौन एक मैमल है? विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल? प्लेटिपस मैमल है। प्लेटिपस और एकिडना ये दोनों अंडे देने वाले मैमल हैं और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक है एकिडना और एक है प्लेटिपस। ये दोनों ही अंडे देने वाले मैमल हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बाकी जो मैमल है वो अंडे नहीं देते, बच्चे को जन्म देते हैं। मैमल की डेफिनेशन अंडे देना या बच्चे देना नहीं है। मैमल का मतलब होता है जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड हो, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड हो, बच्चे को मिल्क सिक्रेट करते हो। मैमरी ग्लैंड से मिल्क बनता है और मिल्क सिक्रेशन होता हो मैमरी ग्लैंड से। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंकू, फिजिकल क्लियर हो गया असिस्टेंट कमांडेंट का। ग्रेट। अब इसमें सिविल्स की तैयारी शुरू कर देना, इसमें आ जाओ। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी जरूर करना। जब एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है, ये इनसिक्योरिटी खत्म हो गई कि क्या होगा क्या नहीं, एक जॉब आपके पास आ गई, तो उसमें सेटिस्फाई होकर बैठ नहीं जाना है। सिविल्स की तैयारी जरूर करना, क्योंकि जीएस का लेवल आपका ठीक हो चुका है। बस कंटिन्यूटी मेंटेन करने की बात है और सिविल्स की दिशा में थोड़ा सा प्रयास करो। सात प्रोग्राम नीति आयोग का प्रोग्राम है, सस्टेनेबल एक्शन प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल नीति आयोग का प्रोग्राम है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल।
इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल कोलकाता। इंडिया का लॉन्गेस्ट ढोला सादिया ब्रिज कहाँ स्थित है? ढोला सादिया ब्रिज किस रिवर पर स्थित है? लोहित रिवर पर स्थित है ये। ढोला सादिया ब्रिज स्थित है लोहित रिवर पे। लीजा प्रोजेक्ट, ई लीजा प्रोजेक्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। ई लीजा प्रोजेक्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। ई लीजा प्रोजेक्ट डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ई लीजा प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। चबाहर पोर्ट, चबाहर पोर्ट का इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होना था? इंडिया पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं रहता अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में व्यापार करने के लिए, पर अब तालिबान आने से फेल हो गया इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है।
अफगानिस्तान में तालिबान के आने से ये प्रोजेक्ट इंडिया का फेल। फ्रेश वाटर फिश को सॉल्ट वाटर में डाल दिया जाए, क्या इम्पैक्ट होगा? फ्रेश वाटर फिश को सॉल्ट वाटर में डाल दें तो क्या प्रभाव होगा? बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड डाइज। जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाई हाई कोर्ट जज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाई द जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया एज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाई हाई कोर्ट जज को शपथ दिलाता है गवर्नर। हाई कोर्ट जज को शपथ दिलाता है गवर्नर। इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सेटल्ड बाई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधित कोई इशू है, कैसे डील होगा? प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा ऑर्गन फैट को ब्रेक करता है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए? कौन सा ऑर्गन है फैट को ब्रेक करता है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है? ये काम है लीवर का।
इनमें से कौन यूनेस्को में शामिल है, कौन कौन से साइट यूनेस्को का हिस्सा है इसमें से? हाँ, अजंता, एलोरा एंड महाबलीपुरम तीनों ही यूनेस्को साइट है। अजंता एलोरा इनका लोकेशन है महाराष्ट्र, महाबलीपुरम है तमिलनाडु। अजंता एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र और महाबलीपुरम तमिलनाडु, कन्हेरी यूनेस्को में नहीं है। राज्यसभा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, राज्यसभा के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन वंकू इसी टाइम पर होता है, यूट्यूब में 5 बजे होता है और स्पेशल क्लासेस में होता है। क्वेश्चन इस समय पे होता है और स्पेशल क्लास 1:30 बजे के आसपास होती है, 1:30 से 3। राज्यसभा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, राज्यसभा में 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में, तो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बारे में क्या सही है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सही है। ऑल कंट्रीज विद होम इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, सभी कंट्रीज जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ओरिजिनल मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। करेक्ट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। काजीरंगा, मानस, केवला देव तीनों यूनेस्को साइट हैं, बांदीपुर नहीं।
सर क्रिक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, सर क्रिक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में बाउंड्री है, ये बाउंड्री है गुजरात और सिंध प्रोविंस वाला एरिया, इसको 24th पैरेलल भी बोलते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, 24th पैरेलल। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ए फार्मर सोज बीन इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग ए क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूँ के बाद बीन लगाया फील्ड में, गेहूँ लगाया उसके बाद बीन की खेती की, ये कौन सी प्रैक्टिस है, इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन में घुसपैठ हुई थी उसके खिलाफ, 1984 में सियाचिन में घुसपैठ हुई थी उसके खिलाफ था ऑपरेशन मेघदूत। यूनाइटेड नेशंस के बारे में क्या करेक्ट है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। एक वीटो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को रोक सकता है, ट्रू, इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉजिटिव, नहीं निगेटिव वोट, निगेटिव वोट, ये प्रस्ताव को रोकने के खिलाफ होता है, प्रस्ताव को रोकने के खिलाफ आता है, सेक्रेटरी जनरल ये इसको यूज़ करता है गलत, ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर है 5 परमानेंट उनके पास है ये पावर, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर के पास ये पावर है, सभी मेंबर के पास ये पावर गलत, केवल 5, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जीते थे वो अमेरिका, यूके, अभी इस समय रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। कौन सी मैचिंग करेक्ट है इसमें, पचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, मानस है असम में, नीलगिरी है तमिलनाडु में। कौन सी रिट का मतलब है यू मे हैव द बॉडी,
कौन से रेट का लिटरल मतलब है यू मे हैव द बॉडी? हेबस कॉर्पस। नॉट प्रॉपरली मैच्ड, इसमें से कौन प्रॉपर मैचिंग नहीं है? प्रॉपर मैचिंग नहीं है। करेक्ट, मैचिंग नहीं है। मैगस्थिनीस इन्होंने लिखी थी इंडिका, अश्व घोष ने लिखी थी बुद्धचरित, पाणिनि इन्होंने लिखी थी अष्ट अध्यायी संस्कृत ग्रामर की किताब, ये गलत है। महाभाष्य लिखी थी महर्षि पातंजलि ने, जिन्होंने एक और किताब लिखी थी योग सूत्र। महर्षि पातंजलि की ही है महाभाष्य और एक किताब योग सूत्र योगा के ऊपर। और विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इस बात का जिक्र है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धनानंद को किस तरह से हराया था चाणक्य की मदद से। कौन सी बीमारी वाटर बोर नहीं है? नहीं, कौन सी वाटर बोर्न बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती, ये क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी वाटर बोर्न डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती? वाटर बोर्न डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है। कॉलरा वाटर से है, बेसिलरी डिसेंट्री है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए, ये ए बी सी तीनों वायरस से हैं, सॉरी तीनों बैक्टीरिया से हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस से है। पानी से ये चारों फैलते हैं, पानी की कमी से चारों फैलते हैं, पर शुरू के तीन बैक्टीरिया वाले हैं, चौथा वाला वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए ही जॉन्डिस है, पीलिया वाटर से होता है। एनिमल सेल में कौन कौन प्रेजेंट है? इसमें से कौन कौन एनिमल सेल में पाया जाएगा? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। नंदा देवी उत्तराखंड, K2 जम्मू कश्मीर, कंचनजंगा सिक्किम, तारा पहाड़ हिमाचल। साउथ अफ्रीका का ग्रासलैंड कौन सा है इसमें से? साउथ अफ्रीका का ग्रासलैंड कौन सा है? साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड है वेल्ट्स। प्रियम्बल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, प्रियम्बल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट।
द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में शुरू से थे प्रियम्बल में, गलत। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। संविधान में कोई प्रोसीजर नहीं लिखा गवर्नर को अपने पद से हटाने के लिए, बिल्कुल सही है। नो प्रोसीजर हैज़ बिन लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। ये सर्व करता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सर्व करता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एसी ट्रेन इज कॉज्ड बाई द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाई, क्या सही है। NOx, SOx। पावर कंजम्पशन फॉर लाइट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, क्या आंसर होगा। पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है बल्ब का, फिर है ट्यूबलाइट, फिर है CFL, फिर है LED। बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इसमें से किसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, इतने प्लेनेट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। मरकरी इसमें से टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। गोदावरी, कृष्णा, यमुना, गंगा। गोदावरी, कृष्णा, यमुना, गंगा, क्या स्टेटमेंट सही है।
गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन, गोदावरी, कृष्णा भीमा, यमुना चंबल और गोदावरी मंजिरा, ये ट्रिब्यूटरी है। इनमें से कौन डिकम्पोजर है जो डेड मैटर को ब्रेक करेगा? कौन कौन डिकम्पोजर है जो डेड मैटर को ब्रेक करने का काम करेगा? वायरस डिकम्पोज नहीं करता, 2 और 3 ये डिकम्पोजर है। वायरस डिकम्पोज नहीं करता, 2 और 3 डिकम्पोज करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर फ्री में यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसका इस्तेमाल शुगर फ्री वगैरह में होता है। एस्पार्टम, एस्पार्टम टेनिस टूर्नामेंट क्या सीक्वेंस है? टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट क्या सीक्वेंस है? सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन, ये सीक्वेंस है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पर वायसराय कौन थे? कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ उस समय वायसराय कौन थे? वाइस रॉय था डफरिन, डफरिन। बैट्स कैन नो अबाउट देयर प्रे एट अ डिस्टेंस इवन द नाइट। बैट कैसे पता लगा पाता है अपना रास्ते का, मूवमेंट का? बैट रास्ते को डिटेक्ट कैसे कर पाता है? ये एमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स।
अल्ट्रासोनिक वेव्स। बायोगैस का कंपोजिशन ये होता है मेनली मीथेन, CO2, H2, H2S, मीथेन, CO2, H2, H2S ये होता है इसके अंदर। मीथेन, CO2, H2, H2S, NOx नहीं होता। यूवी फिल्ट्रेशन काम कौन सी गैस करती है? ओजोन। यूवी फिल्ट्रेशन का काम करता है ओजोन। ये क्वेश्चन तो कल भी देखा था। जाइंट पांडा तिब्बत और साउथ वेस्ट चाइना में पाया जाता है। बैम्बू खाता है। WWF एक इंटरनेशनल NGO है, इसका लोगो है। वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज है वर्ल्ड का। वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज है वर्ल्ड का, ये गलत है, सी नहीं हुआ।